अब आप लोगों ने वीडियो देख ली है, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर शहजाद भाई इस पीस की जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ भाई ये कह सकते हैं कि आपके हाथ में जो पीस है ये कॉपी है, कि ये भी पीस जेन्युइन है लेकिन ये कॉपी है जो आपके हाथ में है, इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जी। हम लोगों ने कुछ दिन पहले जी मास्टर पीस का रिव्यू किया था, ये मेरे हाथ में पीस मौजूद है, ये चेक कर सकते हैं। पहले एक दफा पीस को देख लें फिर मैं आपको बताता हूं जी क्या सीन है इस वीडियो का। ये देखें जी, जब मैंने ये वीडियो बनाई इसका रिव्यू किया तो कुछ भाई कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आपका पीस जो है वो कॉपी है, तो इसी की वजाहत के लिए मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं जी। आज हम लोग आपको बताएंगे कि ये पीस दो नंबर है कि ओरिजिनल है, और आपने भी जब पीस बाय करना है तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले तो इसका लेबल देख लें आप लोग एक दफा सुकून से। जो चीज मेन है ना वो आप लोगों ने क्या देखनी है, आपने ये देखना है स्पेशल एडिशन। ये देखें जी, जिन भाइयों ने तो लास्ट वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो ये शो हो रही होगी, आप लोग देख सकते हैं स्पेशल एडिशन लिखा हुआ है। ये पीस है जी SAS एंड AB। AB है जी अली भाई। ये SAS और AB की जब कोलैबोरेशन होती है तो फिर पीसेस बनते हैं SAS एंड AB। ये ऊपर भी लिखा हुआ है AB, ठीक है। यहाँ पे SAS लिखा है एंड AB लिखा हुआ है। ये देखें इसके, ये देखें जी रूल के ऊपर लिखा हुआ है SAS एंड AB। जो मेरे पास पीस है ना ये स्पेशल एडिशन का है। जब पीस एक बनता है ना उसकी कुछ देर के बाद, कुछ महीनों के बाद वो ब्रांड जो होता है ना वो अपना पीस चेंज करता है थोड़ा बहुत। जब ये मास्टर पीस बनाए गए तो इसकी इतनी डिमांड हुई, ये पीसेस कम बने थे, इतने ज्यादा मिकदार के अंदर नहीं थे बने। लोगों ने जिन्होंने बाय करने थे उन्होंने कर लिए, जो रह गए थे लोग उन्होंने भाई कहा कि हमें भी पीस चाहिए। इस वजह से SAS एंड AB इन्होंने मिलके एक और पीस बना दिया जिसका नाम था जी मोस्ट वांटेड लिमिटेड एडिशन, ठीक है। वो तस्वीर आपको शो हो रही होगी, तो ये पीस था मोस्ट वांटेड लिमिटेड एडिशन। तो जिन भाइयों ने, जिनको इनका इस पीस का नहीं पता तो वो कह रहे हैं कि यार ये पीस जेन्युइन है, जो आपके पास है वो दो नंबर है। हालांकि बात ऐसे नहीं है, ये पीस जो है ये पहले बना था, वो जो पीस है वो बाद में बनाए गए हैं, ठीक है। जिन भाइयों ने ये पीस बाय नहीं किया, जिनको इसका पता ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि यार वो पीस जेन्युइन है, लेकिन ये जो पीस है ना ये पीस जेन्युइन अली भाई की प्रोडक्शन के साथ ये बना है SAS एंड AB, ये उनकी प्रोडक्ट है। एग्जांपल देता हूं आपको, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में किंग ब्लड फाइटर के दो पीसेस मौजूद हैं। ये देखें, सबसे पहले ये देख लें, ये पुराना एडिशन है, इसका आप लोग चेक कर सकते हैं साइडों में प्रिंटिंग कैसे की हुई हुई है। ये देखें, ठीक हो गया। अब इन्होंने ब्लड फाइटर वालों ने किंग का जो नया पीस निकाला है वो इन्होंने ये निकाला है। ये देखें साइड में इन्होंने इसके अंदर लिख दिया हुआ है किंग BF ब्लड फाइटर, ठीक हो गया। अब जिन्होंने ये पीस देखा होगा वो कहेंगे ये दो नंबर है भाई, ये बात नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं जेन्युइन क्वालिटी, इसके ऊपर ये जो बार कोड वगैरह बने हैं ये आप लोग स्कैन करके देख सकते हैं, इनका जो भी सीन होगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। इसका भी इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू लेके आ रहे हैं, हमारे चैनल के साथ रहें। कुछ भाई ये कह सकते हैं कि आपके हाथ में जो पीस है ये कॉपी है, कि ये भी पीस जेन्युइन है लेकिन ये कॉपी है जो आपके हाथ में है, इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। हमने ये जो पीस बाय किया है ये हम लोगों ने किया शहजाद भाई से। शहजाद भाई अब कौन है? शहजाद भाई वो है जिन्होंने अली भाई के साथ मिलके ये पीस बनाया है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखें, इसके अंदर अली भाई और यू खान जो हैं वो केमिकल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने शहजाद भाई का जिक्र किया, ये पहले वीडियो देखें आप लोग। केमिकल का बादशाह अली भाई लाइव आए हैं। अली भाई को मेरा सलाम कहो। सलाम कह रहे हैं मुस्लिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करम अल्लाह का। प्राइस क्या है जी? राना भाई आप अली भाई को कॉल करें, प्राइस आपको बता देगा। दूसरी बात ये कि ये स्टॉक जो है लिमिटेड स्टॉक है। वही
इसकी लगवाई शिजात भाई से पूछ लेंगे, उसने लगवाई है। इसकी गोल इसकी और शार्प दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स है, गोल भी है तेज भी है, तेज भी है और गोल भी है और शार्प भी है, क्योंकि शिजात भाई ने बनाया और शिजात भाई की चीज में 0% कंप्लेंट भी नहीं आता। अब आप लोगों ने वीडियो देख ली है, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर शहजाद भाई इस पीस की जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। अब आप लोग उनके हाथ में देखेंगे फुल यही पीस है, बेस उसकी यही है, कोई दो नंबरी नहीं है, और शहजाद भाई टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने उनसे बाय की है। ये आप लोग ये भी वीडियो देख लें। नाम शहजाद भाई, क्या है? ये नया पीस आया है हमारे पास, इसका जो है ना धागा लगा हुआ है और इसका जो है ना काट का तरीका देखो, रस्सी से भी कोई उड़ाएगा ना रस्सी से तो तब भी इसका जो है ना काट बेहतरीन होगा। जिस भाई को चाहिए ना तो ये गारंटी से मिलेगा आप लोगों का, काट नहीं करेगा या धागे में कुछ फर्क होगा तो वापसी है इसका। इसका नाम क्या है? बाकी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, अगर ये पीस दो नंबर होता तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर इतनी मिट्टी चढ़ी हुई थी ना इस पीस के ऊपर, ये देखें जी। दूसरी साइड से भी देख लें, हम लोगों ने अभी टिश्यू से साफ किया है, ये फिर भी गंदा पीस था। ये मतलब कि ये बहुत पुराना पीस है, ये पीस अब नहीं बन रहे। जिन भाइयों ने ये बाय नहीं किया या जिन भाइयों ने इनकी टेस्टिंग की है ना उसको पता है ये पीस क्या है। अब इसके साथ मैं उड़ा के भी आप लोगों को दिखाऊंगा, अब थोड़ा बहुत इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूं इस वीडियो के अंदर, लेकिन हमारे चैनल पे फुल रिव्यू पड़ा हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जाके। ये तकरीबन किलो का पीस है, 1 kg का वेट है। इस पीस की प्राइस 1500 है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे इस पीस की प्राइस ज्यादा है, भाई जिस भाई से हमने मंगवाया ना शहजाद भाई से, उनसे हमारा है थोड़ा प्यार मोहब्बत, तो वो हमें जो है वो पीस रेट वो हमें मुनासिब ही लगाते हैं, ठीक है। ये पीस हमें 1500 का पड़ा है, ठीक है। बाकी इसकी लचक लुचक भी आपको चेक करवा देता हूं, देखें जी, लचक नहीं है इसके अंदर, बहुत कम लचक है, मतलब कि ना होने के बराबर लचक है। बाकी फुल रिव्यू हमारे चैनल पे मौजूद है, जाके चेकआउट करें। बाकी हम किसी भाई को ब्लेम नहीं कर रहे कि आपने हमें क्यों कहा, बाकी इसकी यही पहचान है कि इसके अंदर लचक बहुत कम है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इसका रूल वगैरह चेक कर लेना है, और पीस को जरा आपने अगर भराई पीस की जेनवन हुई हो ना, क्योंकि दो नंबर जो पीस होता है उसकी भराई जरूरी ढीली सी होती है। बाकी यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि आपके साथ शेयर कर सकूं कि ये पीस जेनवन है कि नहीं। आप लोगों ने फुल वीडियो को वॉच किया तो बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।